हेलो एवरीवन, सभी कोई को गुड मॉर्निंग और मेरा नमस्कार। आज एक बहुत बड़े नए खुशखबरी के साथ आप सभी कोई के सामने आए हैं। स्कूल कॉलेज खुल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही चीज आपने सुना, स्कूल कॉलेज खुलने वाला है। जैसा कि आप सभी कोई जानते हैं, स्कूल कॉलेज जो कि काफी दिनों से बंद है, ऑलमोस्टली झारखंड में तो शायद 17 मार्च से बंद है, तो स्कूल कॉलेज खुलने वाला है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और काफी ज्यादा इसके विषय में आपने देखा कि थंबनेल में भी मैंने पेपर का एक कटिंग लगा दिया था। तो ये वीडियो बिल्कुल अंतिम तक देखिएगा, आज आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि स्कूल कॉलेज कब खुलने वाला है, किस तरीके से खुलने वाला है और उसके नए रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे। और इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, वीडियो अंत तक देखिएगा और प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके और सभी को इसको देख सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि और नोटिफिकेशंस आपको आते रहे। बहुत जल्द 11th और 12th के वीडियोस फिर से आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं याहू वर्ल्ड और ये आप सभी को एक फिजिक्स चैनल वाइल्ड फिजिक्स क्लासेस। तो आज बताऊंगा कि स्कूल कॉलेज कब खुलने वाला है। जैसा कि NCERT ने स्कूल कॉलेज को खोलने को लेके अपना सारा गाइडलाइन केंद्र सरकार को ड्राफ्ट के रूप में सौंप चुके हैं और केंद्र सरकार का ऐसा कहना है, ठीक है, ऐसा संभावना व्यक्त किया गया है। और जैसा कि दिल्ली जैसे राज्य में ऐसे वहां के शिक्षा मंत्री ने कह भी दिया है, ठीक है, कि स्कूल कॉलेज खुलेंगे 1 सितंबर से लेके 14 नवंबर, 1 सितंबर से लेके, गौर कीजिएगा, 1 सितंबर से लेके 14 नवंबर के बीच में चरणबद्ध तरीकों से खोला जाएगा। एक ही बार में सब कुछ नहीं खुल जाएगा। सबसे पहले 10th एंड 12th, तो जो भी बच्चे 10th क्लास में है, 12th क्लास में है, आपके क्लासेस, ठीक है, एक्सपेक्ट ऐसा किया जा रहा है कि जैसा कि आप देख रहे हैं स्कूल कॉलेज काफी दिनों से बंद है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। गरीब बच्चों के पास, जिनके पास लैपटॉप या कहिए कि मोबाइल भी बहुत के पास नहीं होता है, सबके पास आप कैसा भी कह सकते हैं कि टैबलेट भी नहीं हो पाता है कि जिससे वो लोग पढ़ पाए, तो वैसे बच्चे से शिक्षा बहुत प्रभावित हो रही है और काफी दिनों से घर में बैठे बैठे बच्चों का थोड़ा मन भी नहीं लग रहा है। और इसी विषय में जैसे अभिभावकों का कहना है कि अभी नहीं खुलना चाहिए, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं देश में एंड बहुत सारे चीजें खुल चुके हैं, तो सारे मापदंड को मानते हुए स्कूल कॉलेज भी खुलेगा। पहला चरण स्टार्ट होने वाला है 1 सितंबर से 14 नवंबर के बीच में। इस विषय में बहुत सारे राज्य सरकारों ने भी अपना गाइडलाइंस या कहिए कि अपना थोड़ा इशारा कर दिया है कि भाई हम खोलने की तैयारी में हैं, और उसके विषय में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले 10th और 12th की कक्षाएं स्टार्ट होंगी, उसके बाद धीरे धीरे करके और बाकी सारे क्लासेस भी स्टार्ट होंगे चरणबद्ध तरीके से, एक बार में पूरा स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो 1 सितंबर से 14 नवंबर के बीच में खोला जाएगा स्कूल कॉलेज। और इस विषय में एक चीज और बता देना चाहता हूं, केंद्र सरकार इसके विषय में गाइडलाइन 31 अगस्त तक जारी कर सकती है, ठीक है, अगस्त के लास्ट तक, अगस्त महीने के, ठीक है, लास्ट वीक तक, अगस्त के लास्ट वीक तक, ठीक है, अगस्त महीने के लास्ट वीक तक इसके विषय में गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे और आपको फिर पता चलेगा कि क्या होने वाला है और क्या नहीं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, अंतिम फैसला राज्य सरकार लेगी, केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी करने के बाद भी अंतिम फैसला राज्य सरकार के हाथों में होगी, ठीक है, कि किस राज्य में कोरोना महामारी का संक्रमण किस आधार पे है, उसी आधार पे आपको राज्य सरकार अपना फैसला लेंगी। और जब 10th 12th के क्लासेस स्टार्ट होंगे तो NCERT का जो गाइडलाइन के अनुसार स्कूल 2 शिफ्ट में चलाने का विचार है, और वो 2 शिफ्ट में आपको बता देना चाहता हूं कि जो 2 शिफ्ट में चलेंगे वो किस तरीके से चलेंगे, आप थोड़ा देखिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। और एक जरूरी बात यार, शेयर करना जरूर से जरूर ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो प्लीज, ये रिक्वेस्ट है, और नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो 2 शिफ्ट में खुलने का ये है, कहा जा रहा है कि एक क्लासेस का टाइमिंग 8 से 11 और एक क्लासेस का टाइमिंग 12 से 3, 8 से 11
और 12 से 3 और बीच में जो आपको 1 आवर है वो काम होगा सैनिटाइजेशन का, ठीक है, सैनिटाइजेशन का काम होगा। बीच का जो 1 आवर है वो कंप्लीटली सैनिटाइजेशन का होगा। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि रोल नंबर के आधार पे, ठीक है, बुलाया जाएगा, ऑड इवन के आधार पे। ये सब एनसीईआरटी का गाइडलाइन है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि ये सब सौंपा गया है, ठीक है। तो एक बार में सभी सेक्शंस को भी नहीं बुलाया जाएगा, और साथ साथ ये भी सुनने को मिला है कि स्कूल कॉलेज प्रबंधन को ये नोटिस दिया जाएगा 33% स्टाफ के साथ ही काम किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जब क्लासेस खुलेंगे तो ऐसा माना जा रहा है कि 8 से 11 और 12 से 3 शुरू में और बीच में 1 आवर सैनिटाइजेशन के लिए स्कूल में आने वाले सभी स्टूडेंट्स का मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सैनिटाइजेशन ये बात है। और भी बहुत सारे गाइडलाइंस है, ठीक है, स्कूल में बेंच डेस्क में जब बैठेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और भी ऑड इवन फॉर्मूला लगेंगे कि किस दिन किसको आना है, किस दिन किसको नहीं आना है, और शुरुआत में सारे मापदंड का पालन किया जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि 1 सितंबर से स्कूल कॉलेज खुलने वाला है, काफी दिनों से आप घर में बैठे हुए होंगे, ठीक है, और पढ़ाई शुरू शुरू में ठीक हो रहा था लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप विश्वास कर सकते हैं हम लोग खुद भी, बिकॉज स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी काफी दिनों से वेट कर रहे हैं कि कब स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे। तो 1 सितंबर याद रखना, और अलग अलग गवर्नमेंट, अलग अलग राज्य की गवर्नमेंट का अपना अलग अलग रूल्स हो सकता है, कोई 5 सितंबर भी कोई कोई कह रहे हैं, और 1 सितंबर से 14 नवंबर के बीच में खोला जाएगा, ठीक है। तो इस विषय में आपको बोलना चाहता हूं कि गाइडलाइंस जारी कर दिए जाएंगे, शुरुआत में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं स्टार्ट होंगी, ठीक है, और क्या होगा, और उसके साथ साथ 8 से 11 12 से 3 का शिफ्ट चलेगा, ऑड इवन चलेगा, मतलब एक दिन इसको आना है फिर अगले दिन उसको नहीं आना है। और कुछ इस तरीके समझिए, यदि सेक्शन 4 है, यदि मान लीजिए कहीं पर 4 सेक्शन है, 10th क्लास के 4 सेक्शन है, ए बी सी डी, तो कुछ इस तरीके से बुलाया जाएगा, ए और सी और बी और डी, कुछ इस तरीके से बुलाया जाएगा। और रोल नंबर का भी ऑड इवन फॉर्मूला, बाकी मास्क, सैनिटाइजर और क्लासों का सैनिटाइजेशन, रूल्स का पालन, ये सब सारा कुछ करना पड़ेगा। और इस विषय में और भी कोई अपडेट आएगा तो मैं जल्द से जल्द आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, और यदि आपको कोई क्वायरी है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, हम हमेशा आपके साथ हैं। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो कि आप आए, ठीक है, और शेयर करना ना भूलेंगे, नए होंगे तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल स्टूडेंट्स जो सपोर्ट करते हैं, थैंक यू, बाय।